गुजरात दंगों पर पीएम मोदी की क्लीन चिट बरकरार। गुजरात दंगों के मामले में उस समय राज्य के मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली स्पेशल एसआईटी टीम के रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 9 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 2002 के दंगों के पीछे बड़ी साजिश की जांच से साफ इनकार करते हुए याचिका खारिज की और कहा कि इस अपील में कोई मेरिट नहीं है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। 2002 के गुजरात दंगों के समय गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी हत्याकांड में मारे गए कांग्रेस विधायक एहसान जाफरी की विधवा बीवी ने एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दंगों के जांच के लिए बनी एसआईटी पर जाकिया जाफरी ने आरोप लगाया था कि पूरी जांच टीम आरोपियों के साथ मिली हुई है। उधर एसआईटी की टीम ने कहा कि जाकिया की शिकायत पर पूरी जांच की गई लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिले। यहां तक कि स्टिंग को भी कोर्ट में मानने से इनकार कर दिया गया। दरअसल गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगाई गई थी जिसमें अयोध्या से लौट रहे 59 लोग जिंदा ही जल गए थे, जिसके बाद अहमदाबाद और कई कस्बों में दंगे हुए थे, जिसका नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा था कि फिर एसआईटी की टीम ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और दायर याचिका को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए उसे क्लीन चिट को बरकरार रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।